एक ऐसे दलदल में हमारे दुश्मनों ने डाल दिया था जिससे निकलना हम सबको दुश्वार लगता था। सब लोग बेबस थे। 24 घंटे का दिन होने के बजाय हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो 4 घंटे अपने लिए काम कर सकता। अनंतनाग राजौरी से हमारा कैंडिडेट होगा। पार्टी का जो डिसीजन था कैंडिडेट ना होने के बावजूद, फिर भी कार्यकर्ताओं ने पार्टी की डायरेक्शन पे जितना काम किया। कोई नाकामयाबी नहीं हुई है। आज भी आपको अगर पता होगा कि आज भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही है। और रही बात जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में हमने पहले ही कहा कि 50 से पार भारतीय जनता पार्टी इस बार जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा ही चीफ मिनिस्टर, भारतीय जनता पार्टी का ही चीफ मिनिस्टर बनेगा और सरकार हमारी ही बनेगी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। नेशनल सतर पर बनाई थी और साथ साथ में ही स्टेट कमेटी भी बनाई थी इलेक्शन मैनिफेस्टो के बारे में। और आज हमारे बीच हमारे सरदार जी अवतार सिंह जी आए जो इस कमेटी के मेंबर है। ये मीटिंग हमारी जो आज की थी, ये केवल हमारे जितने भी यहाँ कुलगाम में लोकल डेलीगेशंस है, चाहे वो ट्रेडर्स है, ट्रांसपोर्टर्स है, चाहे वो अवकाफ के, इनके साथ बात करके हम जो लोकल हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमें मसले हैं, हम उन मसलों को इस मैनिफेस्टो में लिख के हम उसमें वो छपा के जब आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो चुनाव है, असेंबली का चुनाव है, उन मैनिफेस्टो को हम लोगों तक लाए। और जब आगे आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार होगी और हम उन मैनिफेस्टो में काम करेंगे। और आज की बैठक हमारी जो थी, ये केवल इसीलिए है कि जितने भी हमारे डेलीगेट्स आए हैं, इनके साथ हमारी बात करनी थी। आप हम बताइए जनाब कि कुलगाम के अंदर हमें किस स्थिति से, कैसे हमें काम करके हम पार्टी को भी मजबूत करें। पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बीजेपी का है। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी का सरकार बने, ताकि डबल इंजन सरकार होने के साथ साथ डेवलपमेंट तेज़ी से बढ़े, युवाओं को रोज़गार मिले, कैजुअल लेबर्स को रेगुलराइजेशन पॉलिसी आए और जो स्टेट लैंड पे स्ट्रक्चर्स बने हैं तामीरात, उनको उस लैंड को रेगुलराइज करने की बात है। पीडीडी की जो बिजली बिलें कमर तोड़ महंगाई जो है, उस पर रोक लगाने के लिए एक ही रास्ता है जम्मू कश्मीर के युवाओं, बुजुर्ग माओं बहनों के पास, वो बीजेपी। कंवल को निशाने पर बटन दबा के बीजेपी को जिताना है, यही एक हाल है। आपको पता होना चाहिए मियां अल्ताफ साहब ने यहां से जीता है, आपके कानसचंसी नूरावत के लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट दिए। आज वो 3,000 जेब में डाल के कंगन में कहां देखेंगे, उसको नहीं मिलेगा, उनको अब 5 साल कहीं नजर नहीं आएगा, अब आएगा क्योंकि असेंबली इलेक्शन है, वहां बोलेंगे मैं ये करूंगा, 370 पे पार्लियामेंट में बात करूंगा। एक पार्लियामेंट मेंबर से 370 वापस आएगा क्या? दो पार्लियामेंट बीजेपी के पास, 240 पार्लियामेंट मेंबर है, वो बीजेपी के पास नहीं है, वो इस कार्यकर्ता के पीछे पूरा सेंटर खड़ा है। हम चाहते हैं जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो बढ़ चढ़ के असेंबली में डोर टू डोर कंपेन करें, पोलिंग बूथ पे हमारा मजबूती हो, बढ़त हो, ताकि यहाँ पे जो हम सीटें निकालेंगे गाठी में, वाकई यहाँ से सीटें निकाल के जो यहाँ कैंडिडेट जीत के आएगा वो सीधा कैबिनेट मिनिस्टर। ये कि आबिद खान के बगैर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है नेशनल कांग्रेस पीडीपी में, कि अगर बात करें जो हमेशा आम जनता का बात करें, आप सारे फेसबुक मेरा चेक करो, वीडियोज़ देखो, जब भी कहीं पर कोई परेशानी होती है, आम जनता को दिक्कत होती है, तो मैं आवाज़ उठाता हूँ। जहाँ पर पुलिस की तरफ से कोई कोताही हो तो मैं आवाज़ उठाता हूँ, चाहे वो 10 पर्चे क्यों ना लगाए आबिद खान को। मेरी प्रायोरिटी होती है कि युवा, मेरी प्रायोरिटी होती है हमारी माएँ बहनें, जो किसी के खिलाफ कोई गलत करे मैं उस अफसर के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ। परसों वीडियो पालू ने कुछ इंडिविजुअल काम उस पर अप्रूव कराए तो मैंने उसको फ़ोन करके कहा कि क्राइम ब्रांच में आप तैयार रहो, क्योंकि मेरा औलिन फर्ज है कि युवाओं को, यहाँ के लोगों को साथ नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। और आने वाले समय में तेज़ी रफ्तार से हम काम करेंगे, जो कार्यकर्ता हैं तेज़ी रफ्तार से काम करके डोर टू डोर कंपेन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वोट रेशो बढ़ जाएगा। हमारा कैंडिडेट नहीं था, जैसे रविंद्र रैना साहब की हम बात करते थे, वो कैंडिडेट होगा, नहीं था, अब लोगों में जज्बा है, वोट डालेंगे बढ़ चढ़ के हिस्सा।